कैथल जिले के गुहला चिका में शुक्रवार को कोरोना सैनिकों का फूलों की वर्षा के बीच तालियां बजाकर स्वागत किया गया। गुहला के तहसीलदार प्रदीप कुमार और डीएसपी किशोरी लाल अपनी टीम के साथ लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए वार्ड नंबर 11 में पहुंचे थे। अभी इस गुहला एरिया का दौरा कर रहे थे तो लॉकडाउन की समीक्षा करने के लिए निकले तो हमने देखा कि जो प्रशासन ने निर्धारित समय कर रखा है, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे कोई उसकी सब्जी बेचने की दुकान हो, वो अपने निर्धारित समय पे खोल रहे हैं, निर्धारित समय पे बंद कर रहे हैं। तो इस दौरान इन गांव वालों ने भी हमारे को सम्मानित करना चाहा, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा रेवेन्यू स्टाफ, चाहे आप पत्रकार भाई भी, मैंने ये देखा कि गुल्ला में चाहे कोई बीमार आदमी हो, उसको हॉस्पिटल ले जाना है या और कुछ करना, बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों का और गुल्ला निवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और गुल्ला के नंबरदार एमसी और बुजुर्ग जितने भी नौजवान साथी, एक हम लॉकडाउन के लिए जितनी गवर्नमेंट की हिदायत है, सिविल प्रशासन की, जिला प्रशासन की जो हिदायतें हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हर गांव में जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो इनको जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं वो इन तक पहुंचाने के लिए आज हम गांव में आए थे। तो ये नंबरदार जी और एमसी जी और जितने पब्लिक के महान महानुभाव इकट्ठे हुए हैं और हमारा मान सम्मान इन्होंने किया है, लेकिन ये हमारा मान सम्मान नहीं है, ये इनका ही है। हम इनके लिए काम करते रहेंगे। और हमारी इनसे एक ही अपील है, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, लक्ष्मण रेखा पार ना करें। सेना को तो मोटिवेशन मिला भी है, मिल भी रहा है इनकी तरफ से, जो हर गांव में जाते हैं, हर शहर, अपने गुल्ला चिका शहर में भी जाते हैं। हमारा सभी पब्लिक पत्रकार भाई सभी सहयोग करें, मैं पुलिस की तरफ से, सिविल प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे हमारा सहयोग करते रहे और इस लड़ाई से एक दिन हम जरूर जीते। कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नायब सैनी भी शुक्रवार को गुल्ला में थे। नायब सैनी ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की सलाह दी। नायब सैनी ने प्रशासन से लॉकडाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। महामारी ये वैश्विक महामारी है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अभी भी जिस प्रकार की गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश, वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। हम घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, अगर जरूरत हो तो सोशल डिस्टेंसेस का पालन हम करें, ताकि इस कोरोना वैश्विक चक्र को तोड़ करके हम इसके ऊपर विजय पा सकें। और आज हर व्यक्ति जागरूक है, परंतु कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं, हम ये प्रशासन से भी कहेंगे कि इस मामले को, इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें। अगर कोई व्यक्ति इसको अन्यथा लेता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वो जरूर करें, किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये मानवता के बचाव का मामला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कोरोना सैनिकों द्वारा लड़ी जा रही मुश्किल जंग के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।